एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। नियोजित शिक्षकों को दिसंबर के वेतन में जोड़कर मिलेगा 15% वेतन बढ़ोतरी का लाभ। देखेंगे वीडियो को विस्तार से, उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। बिहार सरकार ने राज्य के सभी पंचायती राज एवं नगर निकाय प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है। आज झंडा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में एक पत्रकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी से संबंधित पूछे गए प्रश्न के जवाब देते हुए कहा कि आप लोग एक ही सवाल को बार बार पूछते हैं। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को इसी माह से 15% वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसके संबंध में मैंने आदेश दे दिया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियोजित शिक्षकों को दिसंबर से ही 15% वेतन बढ़ोतरी के साथ वेतन देने संबंधित तैयारी भी शुरू कर दी है। 1 अप्रैल 2021 से मिल रहे मूल वेतन में 1.15 से गुना करने पर जो राशि आएगी उसी पर सभी प्रकार के भत्ता दे होगा। मिली जानकारी के अनुसार वेतन विसंगति को दूर करते हुए नियोजित शिक्षकों को अप्रैल 2021 में मिल रहे मूल वेतन में 1.15 से गुना करने तथा गुना करने के बाद प्राप्त हुए राशि पर सभी प्रकार के भत्ते देने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिहार के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जा चुका है। इस संबंध में बिहार सरकार ने अपने गजट को प्रकाशित करते हुए इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में अधिसूचना बीते 15 नवंबर को जारी कर दी गई थी और आगामी 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन प्रभावी हो जाएगा। जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी और क्या होगा नया वेतन। बता दें कि बिहार के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में 15% की वृद्धि की गई थी। वही वेतन का निर्धारण ऑनलाइन कैलकुलेटर से किया जाएगा जिसे तैयार किया जा रहा है। इसके साथ अब पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षकों के पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 5200 से 20200 रुपये के वेतन मान के साथ 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 ग्रेड पे क्रमशः 2024 एवं 2800 लागू होगा। बता दें कि इसके साथ यह भी प्रावधान है कि उन्हें समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि दे होंगे। साथ ही ग्रेड पे भी सेवा के 2 वर्ष पूरे होने के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 1.15 से गुना कर जो राशि आएगी उसी पर पे मैट्रिक्स के सापेक्ष अथवा ठीक ऊपर के लेवल के अनुसार निर्धारित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ अब सरकार के फैसले के बाद शिक्षा विभाग द्वारा इस दिशा में जारी प्रक्रिया के बीच शिक्षकों को अब बढ़े हुए वेतन भुगतान का इंतजार है जिसके ऊपर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। इससे संबंधित अगर 15% वृद्धि तथा 31% डीए पर कुल वेतन नियोजित शिक्षकों का कितना होगा तो उसका मैं लिंक आई बटन पर दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।